सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सलूम्बर विधानसभा भाजपा प्रत्याशी अमृतलाल मीणा ने मंगलवार को सलूम्बर विधानसभा के सरसिया, डिग्री, वेजपुर, सकतड़ा, केजड़, सराड्डा, सईपुर, निम्बोदा में जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान भाजपा के कार्यकर्ता सहित ग्रामीण मौजूद रहे। केजड़ गांव में जनसंपर्क के दौरान अमृतलाल मीणा बोल, अगर जनता मुझे दोबारा मौका देती है तो विधानसभा में पहले तो बहुत विकास कराए, फिर मौका देती है तो सलूम्बर विधानसभा में चार चांद लगा देंगे। जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। जिस प्रकार मैं लगातार पांचवी बार चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन मैंने पहले देखा इतना जुनून, इतना कार्यकर्ताओं में जोश और महिलाओं में, माताओं में आप जब देख रहे हैं, और एक तरफा ये सारी कार्रवाई चल रही है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। सुबह 7 बजे से लगे हुए जिस प्रकार हर बूथ पे हम जा रहे हैं, 300 बूथ हैं, उसमें जहाँ जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं का चुनाव के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति, मोदी जी के प्रति, फूल के प्रति इतना जोश भरा हुआ है, सारे काम छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ चल रहे हैं। मैं तो वो इतिहास रचा है 2013 से 18 में, तमाम राजस्थान मेरे विधानसभा क्षेत्र सड़कों का जाल बिछा दिया, सभी पंचायत मुख्यालय पर 12वीं स्कूल करने का काम किया। इवन ये हमारे जो सराड़ा का 132 GSS का है, एकलव्य मॉडल स्कूल है, आपका ये तहसील परिसर में इंटरलॉक की बात है, मॉडल स्कूल की बात है, आपके नहरों का 153 करोड़ रुपए दे करके नहरों के झाड़ बिछाई। इतना ही नहीं, हमारे जो कोर्ट है उसको बिल्कुल आलिशान कोर्ट आपने भी देखा होगा, उसको बनाने का काम किया, खाद्य भंडार का किया, DYSP कार्यालय का किया, SDO कार्यालय का किया, इवन कॉलेज ये लाए थे, लेकिन कॉलेज की बिल्डिंग, छात्रावास, सारा काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा, अमृतलाल मीणा के द्वारा किया गया। सलूम्बर की जनता अगर आपको तीसरी हैट्रिक दिला देती है तो इस बार सबसे बड़ा काम क्या रहेगा? चार चांद लगा देंगे सलूम्बर के लिए। तमाम कार्य जितने भी पेंडिंग हैं उन्होंने घोषणा करी, उस कार्य को हम निर्माण करने में पूरा भारतीय जनता पार्टी का योगदान रहेगा, इतिहास गवाही है।